इतना खा लीची पेड़ के नीचे बैठ गया था रहे। ओ यार ओ तुसी आज आया मजा, वरना तो इंग्लैंड के अंदर साला सूखा मिलता है, क्यों कई दिन में कई दिन पहुंच रहा है। सही कह रहे हैं भाई साहब। राम बेला कैसे हैं आप सब, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग में। और आज हम हैं रामनगर के लीची के बाग में। आप देख रहे हैं मेरे पीछे लीची का सीज़न शुरू हो गया है और लीची की तोड़ चल रही है। और यहाँ से जो रामनगर की लीचियाँ हैं ये देश विदेश में काफ़ी फेमस है। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे लीची को तोड़ा जाता है और इसको कैसे पैक किया जाता है। मेरे भाई दिनेश जोशी जी, हेलो हाय। तो आपको टेस्ट किया आपने? हाँ, बहुत अच्छी है। और लीची हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही अच्छी हो रही है। और यहाँ की खासियत ये है कि लीची मीठी होती है और दाना भी अच्छा होता है। हम तो सीधे आपको बता दें मित्रों कि हम सीधे डायरेक्ट फार्म पे आते हैं और यही फार्म हमारा फेवरेट है, हर बार यहीं आते हैं। हाँ, पिछले साल भी आए थे हमारे साथ एक और भाई हमारे धर्म भाई पाटी जी दिल्ली पलवल से। हेलो सर, आपका स्वागत है। अल्टीमेट जगह भयंकर लीची, पहली बार देखी पहली। डायरेक्ट इनको फार्म पे लाए, यहाँ पे देखो लीची का दौर चल रहा है। ये देखो हमारी बहने बनाना भी है यहाँ पे लगे हैं। आपको बनाना तो खाना, यहाँ पे देखिए गुच्छों वालों को इस तरह रखा जाता है। ये देखिए, और जो दाना है वो टूटा हुआ ऐसे पेटियों में रख दिया जाता है। दोनों का रेट थोड़ा डिफरेंट होता है। सर अपना नाम बताइए। नमस्कार, अपना नाम बताइए सर। नाम दिनेश अहमद। अच्छा, तो आप सर कितने समय से लीची का काम कर रहे हैं यहाँ पे? जी सर, मुझे तो बचपन हुआ। अच्छा, तो इस बार पिछले साल के अपेक्षा में कैसा इस बार सीजन, कैसा फल है? अच्छा, मौसम की मार पड़ी है, बारिश हुआ उस पीरियड में, तो बारिश के काफी नुकसान हुआ। अच्छा, जो औसत आता था वो नहीं आता, उसके अंदर 50-60 क्विंटल। इस हिसाब से रेट में भी इस बार फर्क पड़ा होगा। रेट भी क्या, रेट वही है, मतलब लागत भी काफी। देखो पहले बरौन 120-140 ज्यादा था, 400 रुपए बरौन है, 350 रुपए मौन हुआ था, 550 रुपए मौन हुआ। हर चीज बढ़ गई, 1100 रुपए कट्टा था, 1600 रुपए कट्टा, हर चीज पे इतनी महंगाई है जिसके वजह से। चलिए ठीक है सर, आपका धन्यवाद है कि आप देश दुनिया तक अपना जो रामनगर की लीची है इसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और सर हम तो सब जो लीची का आप बाजारों में जो जूस मिलता है ना, वो इसका मिलता फ्लेवर ये टॉफी वगैरह इसका ना, ये देहरादून बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये देहरादून ज़्यादा जाने के बाद लाइव देख रहे हैं आप। यह है जिंदगी गाँव की है। ठीक है, हमारे धर्मू भाई पहुंच गए हैं सीधे बाग में और रामनगर के रसगुल्ले। रसगुल्ले कैसा हो रहा है फील? गजब। ऐसा कभी तुमने सोचा था कि हम लोग ऐसी जगह पहुंच जाएंगे रामनगर में? अल्टीमेट, जितना खाना उतना खाओ। जहां तक देखो लीची रामनगर आइए तो लीची जरूर खाइए। ओनली सफारी नहीं, लीची भी खाइए। देख रहे मेरे साथ, मैं हूँ लीची के बाग में अभी। और ये देखिए, अभी तो आप फोटो में ही देख पाएंगे वीडियो के माध्यम से, लेकिन कभी आइएगा जरूर यहाँ पे। और हाँ, तो आज ताजे लीची खाने के लिए पहुँचेगा। ये फोन पे बिजी है, समझ नहीं पा रहे अभी इसका वैल्यू। आप देखेंगे इसका टेस्ट जो है ना, रसगुल्ला फेल है भाई। तो मेरा सभी मेरे व्यूअर्स से, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको आइए और आपने अगर मैं इस समय का रीजन ठीक टाइम पे चल रहा है जरूर भाई साहब। तो आप पहले भी कभी आए बाग में? आप अभी अपने ही बाग है? अच्छा, मालिक आप तो लीची तो खाते रहते हो, कितनी खाते हो सीजन में? क्यों नहीं खाते, मतलब घर का माल है तो इसलिए नहीं खाते? तो अच्छा, तबीयत भरी रही है? तबीयत हरी रहती, बोलो भरी नहीं, हरी। हमारे साथी DS जोशी आ गए। एक आध किलो तो खाई लिया वैसा। लो भैया, 15-20 किलो का माल नहीं, 40-50 किलो का माल है। तो एक पेड़ से लगभग कितना किलो आता होगा भाई साहब? एक आध दो क्विंटल। ये देखिए भाई साहब, पहलवान है ये तो। इनसे मैंने पूछा कि लीची में कब से काम कर रहे हो, कह रहे तो बगीचा ही हमारा है, तो इन्होंने दिल की बात कर दी। ये देख रहे हैं आप दोस्तों, लीची ही लीची जहाँ देखो लीची भाई साहब। 15-20 दिन का खेल है, जल्दी पहुँचो। कहाँ से आए हैं आप?
मैं धर्म भाटी हरियाणा पलवल से हूँ। अच्छा। और मैं लगभग पिछले 10-15 सालों से कंटिन्यू रामनगर आ रहा हूँ। यार दोस्त हैं ये है, सब है काम धंधे। हाँ। बट रामनगर में जो पहली बार इन 10-15 सालों में मैंने जो ये देखा, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। आते थे, खरीदते थे, खा लेते थे, हो गया था। ये नया रोड आपने आज जो देखा। हाँ, ये अल्टीमेट चीज, मतलब मुझे जितना खुशी टाइगर देख के होती है, जितनी सफारी में जाने के बाद होती है, उससे ज्यादा खुशी आज मुझे बगीचे में आके होती है। तो ये आप किसकी बदौलत यहाँ पहुँचे हैं? ये दिनेश भाई, जोशी जी, ये लोग अगर ना होते तो आज 2023 में भी ये पॉसिबल नहीं था। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था इतनी सारी लीचियाँ मैं एक बार में देखूंगा। और अल्टीमेट मैंने इतनी जितनी लीची आज खाई, मैंने कभी पूरे जीवन में इतनी लीची नहीं है आज मैंने लाइफ। यार मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया आज, मैं सुबह से लीची खा रहा हूँ। लीची खा रहे हैं भाई साहब। हो सकता है मैं लंच भी ना करूँ। लंच भी ना कर रहे तो ध्यान रखिएगा, ज्यादा ठीक भी नहीं है, पेट भी अच्छा, चलता है। अब होगा तो घर जाके दवाई ले लूंगा, रात तो खाई लूंगा। चलिए, थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। यहाँ वीडियो शूट चल रहा है हमारे साथियों का, और नजर नहीं हट रही हमारी लीचियों से, हम रील चल रही है इनकी। ये आज का जो हमारा ब्लॉग था, ये रामनगर के टांडा मल्लू स्थित एक लीची के बाग से हम लोग थे, और रामनगर की लीचियाँ शुरू से ही काफ़ी फेमस हैं हमारे यहाँ की। और आपको बता दूँ कि इस समय जो लीची का जो रेट है वो करीब 80 से 100 रुपये किलो तक बिक्री तक जा रहा है, और बढ़िया लीची थोड़ा सा ऊपर 10-20 रुपये ऊपर होगी। गाइस, हमने लीचियाँ सेलेक्ट करी हैं कुछ, ये देखिए लीचियाँ, ये पैक होंगी अभी। देखो गुरु हमारे लीची को पैक करते हुए गाड़ी में, गाड़ी देखो पूरी लीचियों से लद गई है, और इनके अपने चाहने वाले हैं जिनको ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक और बैग हमने रख दिया गाड़ी में। यार देखो सूख गया है।